अनम जावेद खान को अब गिरफ्तार हुए तकरीबन 14 माह 15 माह गुजर चुके हैं और इस अरसे के दौरान जब सनम को सबसे पहले अरेस्ट किया गया तो वो एक मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का एक डिटेंशन ऑर्डर इशू करके इसको अरेस्ट किया गया और जो ही उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया तो फिर इसकी एक 9 मई के वाक़े से मुंसलिक लाहौर के एक केस में गिरफ्तारी डाली गई। जो ही इस केस में पहले फौजदारी केस में उसकी हमने अरेस्ट से रिलीज़ करवाई तो साथ ही रिलीज़ के बाद उसको री अरेस्ट किया गया। इसी तरह जब दूसरे मुकदमे से उसको री अरेस्ट करने के बाद रिलीज़ करवाया तो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है वो बददियानती का, बदनीयती का, बदमाशी का और बेहयाई का शुरू हो गया कि पाकिस्तान की तारीख में कोई एक भी ऐसी मिसाल नहीं है पिछले साल से पहले कि रियासती सतह पर किसी भी एक खातून या नंबर ऑफ फीमेल्स यानी कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद को इस तरह पब्लिकली रगेदने का और ह्यूमिलेट करने का एक अनएंडिंग और एंडलेस किस्म का एक मुकम्मल सिलसिला शुरू हो जाए। उसके बाद एक सनम जावेद खान की तरफ से लास्ट ईयर लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन फाइल की गई सितंबर अक्टूबर में, जिसमें आईजी पंजाब की तरफ से एआईजी लीगल ने कमेंट्स जमा कराए कि सनम जावेद के ख़िलाफ़ जो कुल मुकदमात की तादाद थी वो 2 थी और उन दोनों में उसको जो है वो रिलीज़ कर दिया गया अदालत की तरफ से, बावजूद इसके कि अदालत में एक बयान देने के बाद, और ये अंडर ओथ स्टेटमेंट्स हमेशा कोर्ट में फाइल होती हैं यानी कि बयान हल्फी हलफ के तहत जो है बयान देने के बाद भी एक जैली झूठे और मनगढ़ंत केसेस का, एंडलेस केसेस का एक मजीद सिलसिला शुरू हुआ और सनम जावेद को पे दर पे दोबारा अब तक जो टोटल तादाद हमारे सामने पंजाब में आ चुकी है वो 7 लाहौर के मुकदमात में अरेस्ट रिलीज री अरेस्ट का एक पैटर्न कैरी ऑन किया गया। उसके बाद 3 मुकदमात सरगोधा में कायम किए गए, उसके बाद एक गुजरावाला में मुकदमा कायम किया गया। इसके दौरान जो ही गुजरावाला के मुकदमे में गिरफ्तार किया, एक और डिटेंशन ऑर्डर जो है वो गुजरावाला के डिप्टी कमिश्नर ने, जबकि सनम जावेद जेल में है, जेल में है। ये पाकिस्तानी तारीख के इंतहाई अनोखे अजीबो गरीब नौयत के जो हैं वो इंतज़ामिया की हेरा फेरियों के सिलसिलाकार शुरू हुए हैं जिसकी माजी में कतई तौर पर कोई मिसाल नहीं मिलती और ये इस हद तक हवास बाख्ता हो के बेवकूफ़ियाँ और जेल साजियाँ और दोनबरियाँ करते हैं कि इनको इतना भी नहीं पता कि ये कैसे मुमकिन है कि किसी ऐसे शख्स से अवामुन्नास के दरमियान जो है कोई नक्शे अमन का खदशा हो जो कि जेल में है, जुडिशियल कस्टडी में है यानी कि अदालत के कब्जे में है, अदालत की कस्टडी में है, उसको भी हाईलाइट किया गया। जिस वक्त हाईलाइट किया गया तो डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला की तरफ से उस ऑर्डर को विड्रॉ किया गया। अब ये सारे सिलसिले को देखते हुए कि जहाँ पे 3 डिटेंशन ऑर्डर, 11 फौजदारी दहशतगर्दी के मुकदमे, दहशतगर्दी के मुकदमे कायम किए गए, इस सब सिलसिलेकार को देखते हुए रिसेंटली एक लास्ट 1 मंथ में सनम जावेद खान की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच के सामने जो गुजरांवाला की एंटी टेररिज्म कोर्ट का ऑर्डर था उसको असेल किया गया कि सनम की जो अरेस्ट है दैट इज़ विदाउट एनी फैक्चुअल मटीरियल और लीगल बेसिस, यानी कि उसका हकायक को सामने रखते हुए कोई वजूद ना है, उस पर किसी किस्म की कोई कानूनी और कोई मटीरियल बेसिस, जो हमारा मवाद कोई ना कोई ऐसा मवाद जिससे पता लगे कि किसी शख्स ने कोई ना कोई जुर्म जो है उससे वो सरजद हुआ है या जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी बिला कोई सबूत या मवाद नहीं की जा सकती। तो ये सारे पॉइंट्स को सामने रखते हुए लाहौर हाई कोर्ट के सामने ये क्रिमिनल रिविजन जुरिस्ट्रिक्शन में एक रिविजन फाइल की गई जिसको ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के जो सबसे सुनहरी लैंडमार्क जजमेंट्स में से एक जजमेंट जो है वो अब एज अ साइटेशन रिपोर्टेड जजमेंट जो है उसको पब्लिश कर दिया है, जिससे मैं समझता हूँ कि ये जो सिलसिलाकार है और ये जो मैंने जितने आपको हकायक और बैकग्राउंड जो है कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड सनम जावेद का यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ये तमाम का तमाम उस जजमेंट का हिस्सा है कि बताया गया कि किस तरह के अगर ये इल्ज़ाम सनम जावेद पे है कि उसने लाहौर में बैठ के इल्ज़ाम की हद तक ये जमान पार्क में कोई प्लानिंग या कोई इंस्टिगेशन या कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा लिया है, तो ये कैसे मुमकिन है कीपिंग इन व्यू दी प्रोविजंस ऑफ 177 एंड 179 CRPC कि ये कैसे मुमकिन है कि लाहौर से बाहर जो है वो जुरिस्ट्रिक्शन में ऐसे मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। और ये अदालत ने वाजे कर दिया, 2 जजेस ने, जस्टिस असजद जावेद घुराल और जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब की एक लैंडमार्क जजमेंट ने होल्ड कर दिया
कि ये जो प्रोसेस ऑफ विक्टिमाइजेशन है ये 100% बदनीति पर मबनी है, और इसी केस में अदालत आलिया ने ये होल्ड किया कि आईजी पंजाब और उसके नीचे जितने सबॉर्डिनेट अफसरान हैं उनके खिलाफ भी इसी तरह की तदीबी कार्रवाइयाँ इस जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए होनी चाहिए। इसी जजमेंट में जो हमारी ट्रायल कोर्ट के जजेस हैं पंजाब भर के, जिन्होंने सनम जावेद के पे दर पे मैकेनिकली और परफंक्ट्री मैनर्स में, अदालत ने ये वर्ड यूज़ किया कि परफंक्ट्री मैनर में एंड दे आर गोइंग इन टू द स्लम्बर, यानी कि इस तरह की भी कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की लैंग्वेज जो है वो अदालत ने अपनी नीचे जो हमारी मतहत अदलिया है इसके जजेस के लिए इस्तेमाल की कि ये ब्लाइंडली यानी कि बिल्कुल अंधे होके जो है वो सारे मैकेनिकल मैनर में जो है वो रिमांड दिए जा रहे हैं, जहाँ पे कोई जुडिशियल विजडम, कोई जुडिशियल जो है वो इंटेग्रिटी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में नज़र नहीं आती, और ये तमाम चीज़ें जजमेंट का हिस्सा हैं जो लाहौर हाई कोर्ट ने अभी इशू किया है, और उसी में ही दो डिप्टी कमिश्नर्स लाहौर और गुजरांवाले का जो कंडक्ट है उसको भी वाजे तौर पर हाईलाइट किया। तो यही वो जजमेंट है आज जिसपे हमने कोर्ट में प्राइमरीली रिलाय करना है इसका बैकग्राउंड देते वक्त। बाकी हमें इस वक्त तक सिर्फ इतना ही पता है कि FIA का कोई साइबर क्राइम का मुकदमा है, और उसकी जो मुफस जो तफसील है उसकी उसकी लैंग्वेज क्या है वो जूँ ही ये कोई FIA वाले पेश करते हैं तो हम कोर्ट में उसकी लैंग्वेज को देख के एज इट इज़ जो है वो डिफेंस लेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताता चलूँ, कोई एक ऐसी स्टेटमेंट सनम जावेद खान की किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो ट्विटर है या वो यूट्यूब है, यानी कि वो तहरीरी सूरत में है या जुबानी सूरत में बयानात की सूरत में, एक भी ऐसी नहीं है। क्योंकि हमने अपने एंड पे लास्ट 14-15 मंथ्स में एंडलेस नंबर ऑफ टाइम्स, ये काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम एक्सरसाइज की है कि हम उसको रन डाउन करें, और बेशुमार अदालतों में अब तक जो है वो यही जो यहाँ पे एक मुमकिन तौर पर मैं अज्यूम अजम्पशन की बेसिस पे कह रहा हूँ कि अगर ख्याल की बेसिस पे कोई चीज़ लेके आए हैं तो हमने अदालतों में इसके सारे के सारे बयानात के रिटन ट्रांसक्रिप्ट जो है वो एग्जामिन कर लिए, और तमाम की तमाम अदालतों ने होल्ड किया है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे किसी किस्म का कोई फौजदारी मुकदमा बनता हो। हो सकता है कि सनम जावेद के ख्यालात उसके बयानात से कोई शख्स राजी हो, इत्तफाक करता हो या ना करता हो, और हम कतई तौर पर भी चाहते भी नहीं हैं कि कोई उसके बयानात से इत्तफाक करे, हर इंसान अपनी आज़ाद सोच का खुद मालिक है। लिहाजा कानूनी तौर पर मैं आपको बता दूं कि किसी किस्म का कोई फौजदारी मुकदमा नहीं बनता। आज जब अदालत के सामने मुकदमा आएगा तो उसके फिर जितने भी करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स है उसको सामने रखते हुए फिर हम इसका कॉम्प्रीहेंसिवली और बड़ा फोर्सफुली जो है वो इफेक्टिवली केस प्रोसीड करेंगे। बाकी फिर जो रिजल्ट और प्रोसीडिंग होगी वो आपके सामने आएंगी। थैंक यू, बहुत बहुत पहले भी थे उन्होंने और ये बिठा रहे थे पापा को बिठा रहे थे।